जब पत्रकार को सीएम ने करवाया अगवा, पत्नी ने लगाई पुलिस में गुहार, राजनीति के इतिहास की कुख्यात कहानी। पत्रकारों और नेताओं की कोल्ड वॉर हमेशा से ही सुर्खियां रही है, लेकिन जनता के सामने दोनों एक दूसरे का आदर करते दिखते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक अदावत ने ऐसा कारनामा कर दिया जो राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो गया। आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को भी सिद्ध करती है। जानकारी हो कि राजनीतिज्ञों का एक तकिया कलाम अक्सर सुनने को मिलता है कि मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है या न्यूज चैनल मैं देखता ही नहीं हूं। ऐसा तब शुरू हुआ जब उनके कारगुजारियों की कहानियों को पत्रकार आकार देने में जुट जाता है। मीडिया से सियासत की अदावत का संगीन दौर काफी पुराना है। उसी दौर के एक कुख्यात कहानी को आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिनांक 6 नवंबर वर्ष 1991, सूर्योदय होने ही वाला था। संपादक महोदय अपनी मारुति से मॉर्निंग वॉक के लिए आदतन निकल पड़े थे। कुछ दूर जाने के बाद मारुति रोककर थोड़ी देर पैदल घूमकर वापस घर की तरफ चल पड़े। मारुति में बैठ संपादक महोदय जैसे ही अपने घर पहुंचे और गाड़ी से निकलकर दो चार कदम आगे बढ़ा ही पाए थे कि अचानक पास की गली में छुपे कुछ लोगों ने दबोचकर उन्हें कब्जे में ले लिया। फिर आनन फानन में नजदीक में खड़ी गाड़ी में संपादक को बिठाकर चलते बने। इस घटना ने एक नामी संपादक के परिवार को बेचैन करके रख दिया था। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ समाप्त हो चुका है। स्वयं अपहरण संपादक को यह महसूस हुआ कि वो पेशेवर अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है, पर कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। सादे लिबास में आई एक दूसरे राज्य की पुलिस टीम उन्हें अपने स्टेट में ले जा रही है। संपादक की पत्नी को यह एहसास हो चुका था कि कुछ खबरों के खुलासे से सख्त नाराज एक मुख्यमंत्री ये कारनामा कर सकते हैं। मोहल्ले के लोग जो उस प्रशासनिक अपहरण के गवाह बने थे, उन्होंने ये पुष्टि की थी कि सफेद लिबास वालों के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। कौन था वो मुख्यमंत्री और संपादक? संपादक का नाम था राजेंद्र कुमार वैद्य। सिलीगुड़ी से निकलने वाले हिंदी दैनिक अखबार जनपद समाचार में वो कार्यरत थे। जिस मुख्यमंत्री के इशारे पर इस कारनामे को अंजाम दिया गया था वो थे सिक्किम के मुख्यमंत्री नरबहादुर भंडारी। बहरहाल संपादक के अपहरण की खबर पूरे सिलीगुड़ी को अपने आगोश में ले लिया था। संपादक राजेंद्र कुमार वैद्य की पत्नी ने सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने पति के अपहरण की सूचना सिलीगुड़ी के तत्कालीन SP कुलदीप सिंह को भी दी। थोड़ी ही देर में संपादक की पत्नी का शक सच में तब्दील हो गया। SP ने बताया कि गंगटोक से आकर सिक्किम पुलिस उनके पति को गिरफ्तार कर ले गई है। उसी दिन संगीता वैद्य ने इस घटना की पूरी जानकारी पश्चिम बंगाल की गृह सचिव मनीष गुप्ता को दी थी। तकरीबन 9 घंटे बाद यानी 3 बजे अपहरत सिक्किम पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को फोन पर बताया कि संपादक वैद्य को गंगटोक में कुछ विचाराधीन मामलों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पत्र लिखकर कड़ा ऐतराज जताया गया कि बगैर सूचना दिए कैसे उनकी सीमा में घुसकर एक संपादक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना पर क्षोभ जताते हुए माकपा के पूर्व सांसद आनंद पाठक ने कहा था, अब मुख्यमंत्री भंडारी की निरशंकुशता उनके प्रांत की सीमा को भी पार कर गई है। इस घटना की आंच ने दिल्ली के सियासतदारों को भी संवेदित कर दिया था। काफी बावेला मचने के बाद 16 नवंबर 1991 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिक्किम पुलिस ने दिल्ली ले जाकर संपादक को उच्चतम न्यायालय में पेश किया था। माननीय न्यायाधीश SP अग्रवाल, JS वर्मा और LM शर्मा की विशेष बेंच को संपादक वैद्य ने बताया कि अपने दैनिक अखबार में मुख्यमंत्री नरबहादुर भंडारी के भ्रष्टाचारों के विरुद्ध अभियान चलाया था। इससे नाराज भंडारी ने कई दफा चेतावनी भी भिजवाई थी, जब बात नहीं बनी तो उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया। वैद्य ने गिरफ्तारी के बाद प्रताड़ना के रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को माननीय जजों के सामने भी रखा था। कैसे उन्हें गिरफ्तारी के बाद परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, गिड़गिड़ाने के बाद भी दवा उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त अरुण भगत को निर्देश दिया कि तत्काल वो वैद्य को सिक्किम सरकार के खर्चों पर उनका इलाज दिल्ली एम्स में कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही एम्स के निदेशक को भी निर्देश दिया कि ये बताए कि हिरासत के दौरान सिक्किम पुलिस ने संपादक के शरीर पर किस तरह की चोट पहुंचाई है। हालांकि सिक्किम पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया था कि हिरासत में वैद्य को किसी तरह का शारीरिक चोट पहुंचाई गई है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।